दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत जल्दी सुहागिनों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि करवा चौथ व्रत सुहागिनों को पूरे साल बड़ी ही बेसब्री से इंतजार होता है। दोस्तों, करवा चौथ व्रत सुहागिनों के लिए बहुत ही खास होता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ भगवान गणेश की पूजा करती हैं। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने के बाद पारण करती हैं। करवा चौथ का व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसे बिना अन्न जल ग्रहण किए सूर्य उदय से चंद्र दर्शन तक किया जाता है। सुहागिनों का सबसे खास पर्व करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। विवाहित महिलाओं को करवा चौथ व्रत का बेसब्री से इंतजार रहता है। करवा चौथ के दिन स्त्रियां पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्य उदय से शुरू होता है और शाम को चांद निकलने तक रखा जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों पानी पीकर ही महिलाएं ये व्रत खोलती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर 2023 को रात 9:30 पर शुरू होगी। चतुर्थी तिथि की समाप्ति 1 नवंबर 2023 को रात 9:19 पर होगी। तो दोस्तों, करवा चौथ व्रत उदया तिथि से मान्य होता है, इसीलिए इस साल करवा चौथ 1 नवंबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन स्त्रियां शाम को चौथ माता, करवा माता और गणपति की पूजा करती हैं और चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। दोस्तों, करवा चौथ से संबंधित बाकी सारी जानकारी जानने से पहले हम आपको उस बात के बारे में बता देते हैं जो आज हमारी वीडियो का विषय है। तो दोस्तों, करवा चौथ को जब महिला रात को चांद देखने के बाद अपने व्रत का पारण करती है, तो पति को अपनी पत्नी को अपने हाथों से जल पिलाना चाहिए और खाना खिलाना चाहिए, जिससे कि व्रती महिला को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। ऐसा करने से आप दोनों के रिश्ते को विशेष रूप से माता पार्वती का, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्रदान होता है। तो करवा चौथ की रात को ये काम जरूर करें, ताकि दोस्तों आपका व्रत सफल हो जाए। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार करवा चौथ को कर्क चतुर्थी भी कहा जाता है। करवा या कर्क मिट्टी का वो पात्र होता है जिससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पूजन में करवा बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है, इसीलिए इस व्रत को सुहागिन पूरी विधि विधान से करती हैं। दोस्तों, करवा चौथ के दिन आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद स्नान आदि करके लाल रंग के वस्त्र धारण करें, पूजा घर की साफ सफाई करके घी का एक दीपक जला दें। इसके बाद हाथ जोड़कर करवा माता, भगवान शिव पार्वती और गणेश जी को नमन करके करवा चौथ व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, जिन घरों में सर्गी ग्रहण करने का विधान है, वो महिलाएं सर्गी जरूर खाएं। करवा चौथ के व्रत में सर्गी विशेष महत्व रखती है। ये एक तरह की रस्म होती है जिसमें सास अपनी बहू को सुहाग का सामान, फल, ड्राई फ्रूट्स और मिठाई देकर सुखी वैवाहिक जीवन जीने का आशीर्वाद प्रदान करती है। परंपरा के अनुसार सर्गी में रखे व्यंजनों को ग्रहण करके ही इस व्रत का शुभारंभ किया जाता है। यदि किसी महिला की सास ना हो तो ये रस्म उसकी जेठानी या फिर बहन भी कर सकती है। तो दोस्तों, सर्गी की थाल में क्या क्या होना चाहिए? सर्गी की थाल में सूखे मेवे, नारियल पानी, फल, मिठाई, 16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, कुमकुम, मेहंदी, काजल, पायल, बिछिया, महावर, सिंदूर, गजरा, लाल साड़ी, कंघी, मांग टीका आदि होना चाहिए। जहां आप करवा चौथ की पूजा करना चाहते हैं, उस स्थान को साफ करके चौकी लगाने से पहले उस स्थान को हल्दी से लीप ले, फिर रौली और हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना करें। दोस्तों, चौकी पर गंगा जल छिड़क कर साफ लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इस पर करवा माता की प्रतिमा रख लें, साथ ही भगवान शिव पार्वती, गणेश जी और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा को रखकर इनकी पूजा करें।
करवा चौथ के दिन करवा का बड़ा महत्व होता है। आप मिट्टी से बने करवा का उपयोग करें तो अच्छा है, आप किसी धातु से बने करवा का भी प्रयोग कर सकती हैं। दोस्तों, करवा को हल्दी कुमकुम लगाएं, इसके मुख पर मौली बांधें, इस करवा को अपनी क्षमता अनुसार अन्न शक्कर या सूखे मेवे से भरें, साथ में एक सिक्का भी रखें, इसका मुख दिए से ढक दें। शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा का आरम्भ करें। अतः शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करके जलपात्र से 3 बार आचमन करें और चौकी पर दीप प्रज्वलित कर दें। धूप अगरबत्ती लगाएं, इसके बाद पुष्प और माला चढ़ाएं। ओम गण गणपतये नमः का 11 बार जप करके प्रथम पूज्य भगवान गणेश और करवा माता को नमस्कार करें। चौकी पर करवा माता के दाएं तरफ चावल से अष्टदल कमल बनाएं और इस पर कलश की स्थापना करें। दोस्तों, मिट्टी या तांबे के कलश में शुद्ध जल भरें, इसमें गंगा जल मिलाएं और कलश पर हल्दी कुमकुम लगाकर इसके मुख पर लाल कलावा बांधें। अब 2 लौंग, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, अक्षत, 2 इलायची और 1 सिक्के को सीधे हाथ में लेकर कलश में डाल दें। यदि इनमें से कुछ सामग्री आपको नहीं मिल पाई हो तो आप शुद्ध जल में सिर्फ सिक्का और चावल डालकर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद आम के पत्तों को हल्दी कुमकुम लगाकर इस कलश के मुख पर रख दें। अब नारियल पर लाल चुनरी या लाल वस्त्र को कलावा की मदद से लपेटें और इस कलश पर रखें। इसके बाद नारियल पर हल्दी कुमकुम और अक्षत अर्पित करें, साथ ही घर में बने पकवान मिष्ठान भोग रूप में चढ़ाएं। पूजा संपन्न होते ही करवा चौथ व्रत कथा अन्य व्रती महिलाओं और परिवार के सदस्यों को सुनाएं। अंत में माता करवा, माता गौरी और भगवान शिव की आरती करें। सभी देवों को नमन करके अपने पति और संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। आइए दोस्तों, इसी के साथ अब हम करवा चौथ की कहानी भी जान लेते हैं। श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही आज मैं भोजन करूंगी, मेरा व्रत है। तो दोस्तों, साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद ही दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात को सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लेती है। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों को श्रद्धानुसार आदर दिया और आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। अब दोस्तों, इसके बाद रात में चांद निकलने की प्रतीक्षा सभी महिलाओं को होती है। करवा चौथ पर चांद रात 8:15 पर निकलने की संभावना है। इस समय पर महिलाएं चंद्रमा की पूजा करेंगी और अर्घ्य देंगी, उसके बाद पारण करेंगी। करवा चौथ पर अर्घ्य देने की विधि। चंद्रमा के निकलने के बाद एक लोटे में जल भर कर रख लें, फिर उसमें सफेद फूल, कच्चा दूध और अक्षत डालें, फिर चंद्रमा को देखकर अर्घ्य दें। अर्घ्य के बाद चंद्रदेव को प्रणाम करें, अपने जीवन साथी की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना कर लें। चंद्रमा की कृपा से सुख और समृद्धि बढ़ती है। अर्घ्य के समय चंद्रमा को छलनी से देखना ना भूलें। उसके बाद पति अपनी पत्नी को मिठाई खिलाकर और पानी पिलाकर व्रत का पारण कराते हैं, इससे व्रत पूर्ण हो जाता है।
दोस्तों बात करते हैं आखिर पति अपनी बीवी को ऐसा क्या उपहार दें जिससे दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे और धन की देवी माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहे। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। नंबर एक, सोना चांदी तांबा पीतल से बनी कोई वस्तु। नंबर दो, मेकअप का सामान। नंबर तीन, हीरे मोती जवाहरात। नंबर चार, नई कोई खूबसूरत ड्रेस। नंबर पाँच, आप उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड आदि या धन दे सकते हैं। नंबर छः, फूल। दोस्तों फूल सर्वश्रेष्ठ उपहार के तौर पर माना जाता है, ऐसे में आप उन्हें फूलों में गुलाब का फूल दे सकते हैं। इसके आगे शास्त्रों में कहा गया है कि हीरा मोती सोना चांदी सब कुछ पीछे है और इसे प्यार का प्रतीक भी माना गया है। दोस्तों मान्यता है कि सबसे पहले ये व्रत शक्ति स्वरूपा देवी माता पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। अब दोस्तों जानते हैं कुछ और जरूरी बातें। नंबर एक, करवा चौथ के लिए किस रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लाल रंग का कपड़ा करवा चौथ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लाल रंग का कपड़ा खूबसूरती में चार चांद लगा देता है और सकारात्मक ऊर्जा के लिए लाल रंग का कपड़ा सबसे अच्छा माना जाता है। वहीं हरा, गुलाबी, पीला, ऑरेंज आदि भी पहना जा सकता है। नंबर दो, खास करवा चौथ के दिन पति अगर अपनी पत्नी को उपहार देना चाहता है तो ये चीजें कभी ना दे, जैसे धारदार चीजें, जूते, चप्पल, सफेद कपड़ा आदि। इन चीजों को उपहार के तौर पर गलती से भी ना दे। पति अगर करवा चौथ के दिन लाल रंग का कपड़ा या कोई भी लाल वस्तु उपहार में दे तो अति उत्तम माना जाता है। दोस्तों नंबर तीन, खास करवा चौथ के दिन सुहागिन महिला अपनी ये चीजें कभी किसी गैर महिला को ना दे। मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, दुल्हन का जोड़ा या कोई भी मेकअप का सामान कभी शेयर गलती से भी ना करे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रिश्ते पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, इसके लिए सतर्क रहें। दोस्तों नंबर चार, करवा चौथ पर उपहार के तौर पर अपनी माँ को कोई भी वस्त्र अवश्य दें। ऐसा करने से माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। तो दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, खास करवा चौथ पर खाने में इन चीजों को कभी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट सकता है। माता पार्वती भी क्रोधित हो सकती है। खास करवा चौथ पर ये भोजन कभी भी ग्रहण ना करें। दोस्तों खास करवा चौथ पर खाना बनाते समय इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि क्या बनाएं और क्या नहीं, क्या डालें खाने में और क्या नहीं। इन सभी बातों का ज्ञान आपको होना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि खास करवा चौथ पर लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि ये थाली पूजा में इस्तेमाल की जाती है और भगवान को भोग लगाया जाता है। आपको बता दें धार्मिक अनुष्ठान, व्रत आदि मौके पर भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता। लहसुन प्याज को मांस की श्रेणी में रखा गया है। खास करवा चौथ पर मांस मदिरा का सेवन करना भी कठोर पाप के बराबर माना जाता है। करवा चौथ पर ना ही लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए और ना ही मांस का सेवन करना चाहिए। वहीं करवा चौथ का व्रत पूरा होने पर खाने की थाली सजाकर उपहार के साथ सास या ननद को दे दें। ऐसा करने से व्रत सफल हो जाता है। तो दोस्तों क्या पीरियड्स के दौरान करवा चौथ की पूजा की जा सकती है, आइए जानते हैं। दोस्तों यदि हम ज्योतिषों की माने तो पीरियड्स के दौरान किसी भी पूजा पाठ की मनाही होती है, लेकिन क्योंकि दोस्तों करवा चौथ साल में एक बार आता है और आपको करवा चौथ की पूजा छोड़नी नहीं चाहिए, हालांकि आप स्वयं ये पूजा ना करें, इस दिन आप घर की किसी अन्य महिला से आग्रह करें कि वो आपके स्थान पर करवा चौथ की पूजा आकर और आपको पूजा स्थान से थोड़ा दूर बैठा कर पूजा में शामिल हो जाए। हालांकि आप पीरियड्स के दौरान भी चांद को अर्घ्य दे सकती हैं और चांद को छलनी से दर्शन करके उपवास को खोल सकते हैं। दोस्तों अब ये भी जान लेते हैं कि खास करवा चौथ पर क्या ना खरीदें और किन किन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों नंबर एक, करवा चौथ पर टूटी हुई छलनी, चटका हुआ करवा बिल्कुल भी ना खरीदें, आपका व्रत खंडित हो सकता है, ऐसे में आपको अशुभ परिणाम मिल सकते हैं, ऐसा करने से बचें। नंबर दो, करवा चौथ खुशी का त्योहार माना जाता है, ऐसे में धारदार चीजें, चाकू, छुरी, कैंची आदि बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसा करने पर पति पत्नी में झगड़े आदि हो सकते हैं। नंबर तीन, खास करवा चौथ पर सफेद कपड़ा, काला कपड़ा कतई ना पहने, ऐसा करने से रिश्तों में नेगेटिविटी आती है। नंबर चार, करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली सीखे या तिल्लियां बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए, जैसे उनकी टूटी हुई घड़ियां बिल्कुल भी ना हो। अगर ये तिल्लियां टूटी हुई हो तो आप उन्हें इस्तेमाल ना करें, दूसरी बाजार से खरीद लें। दोस्तों करवा चौथ पर कपड़े बाजार से नए खरीदें या फिर पुराने पहने। क्या करवा चौथ पर पुरानी ड्रेस पहनी जा सकती है?
जिससे आपकी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। तो दोस्तों आपको बता दूं, शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया कि कोई भी स्त्री करवा चौथ की पूजा पाठ में नए वस्त्र पहने। आपको बता दें कि सुहागिन स्त्री के लिए उसका पुराना शादी का जोड़ा बहुत ही महत्व रखता है। खासकर करवा चौथ में पुराने शादी के जोड़े का होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर पुराना शादी का जोड़ा हो तो करवा चौथ में चार चांद लग जाते हैं और पति को ऐसा नज़ारा देख कर खूबसूरत प्यार भरा पुराना वक्त नजर आता है। वहीं आप करवा चौथ पर नए वस्त्र पहनकर भी इस व्रत को पूरा कर सकते हैं और ऐसा करना शास्त्रों में गलत नहीं माना गया। अगर आप अपने मन के अनुसार वस्त्र पहनते हैं तो बाजार से खरीदकर नए वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन करवा चौथ में शादी का जोड़ा होना या फिर शादी की चुनरी का होना सबसे अहम माना जाता है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपनी राशि के अनुसार श्रृंगार करें तो करवा महारानी की अपार कृपा मिलती है। सबसे पहले मेष राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी राशि मेष है तो आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं। तो आपको करवा चौथ पर लाल या गोल्डन रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। नंबर दो, वृषभ राशि। अगर आपकी राशि वृषभ है तो आपको करवा चौथ पर सिल्वर या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से कभी इनके पति के प्यार में कमी नहीं आती। नंबर तीन, मिथुन। मिथुन राशि की महिलाओं को सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि इनकी राशि का स्वामी बुध है, तो इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर हरे रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनकर इसी रंग की चूड़ियां पहनकर पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से व्रत का दो गुना फल मिल सकता है। नंबर चार, कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो इस राशि की महिलाओं को लाल सफेद रंग की साड़ी, जैसे लाल में सफेद बॉर्डर या सफेद साड़ी में लाल बॉर्डर की साड़ी के साथ रंग बिरंगी चूड़ियां पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। नंबर पाँच, सिंह राशि। अगर आपकी राशि सिंह है तो इस राशि के स्वामी सूर्य देव है, तो इस राशि की महिलाओं को लाल, नारंगी यानी ऑरेंज, गुलाबी और गोल्डन रंग के कपड़े पहनकर पूजा कर सकती हैं। ऐसा करने से आपको करवा माता का वरदान जल्द ही मिल सकता है। छठे नंबर पर है कन्या राशि। अगर आपकी राशि कन्या है तो इस राशि का स्वामी बुध है, तो इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल, हरा या गोल्डन रंग की साड़ी, सूट, लहंगा पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इन महिलाओं को पूजा का शुभ फल मिल सकता है। अब दोस्तों अगली राशि है मीन राशि। अगर हम मीन राशि की बात करें तो आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है, तो इस राशि की महिलाओं के लिए करवा चौथ पर लाल या गोल्डन रंग के कपड़े पहनना शुभ रहेगा। इसके साथ ही गोल्डन कलर की चूड़ियां पहनना भी आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन दोस्तों सबसे अहम लाल रंग को माना गया है। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप लाल रंग की अपनी शादी की जो चुनरी है उसे जरूर ओढ़ लें। उतना करने से ही आपको व्रत का फल जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो में मिली जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।